क्या आपके YouTube चैनल के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आ चुकी है? आपको नहीं पता कि कैसे आपने अपने YouTube चैनल से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को खत्म करना है, रिमूव करना है, या फिर वो कौन सा ऐसा मेथड है, कौन सी ऐसी ट्रिक है जिसको यूज करके आप अपने YouTube चैनल से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को रिमूव कर सकते। तो गाइज माय नेम इज चेंजी, वेलकम टू जॉयवल यूट्यूब चैनल। अगर आपको चाहिए 1000 सब्सक्राइबर या 4000 घंटे का वॉच टाइम, या फिर आप अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करवाना चाहते हैं, तो गाइज नीचे दिए गए नंबर के ऊपर मैसेज करके आप हमसे अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करवा सकते हैं। आज की स्टूडियो में सिखाने वालों कैसे आप अपने YouTube चैनल से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को रिमूव कर सकते हैं, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या थी और कैसे ये हमारे YouTube चैनल के ऊपर आती है, सारी की सारी चीज़ आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे आपने अपने YouTube चैनल से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को रिमूव करना। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस हम आज की अपनी कम्युनिटी की स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कम्युनिटी गाइडलाइन क्या होती है और क्यों हमें कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक मिलती है और कौन से ऐसे टॉपिक है जिनके ऊपर हमें वीडियोज नहीं बनानी और कौन सी ऐसी चीज़ें जिनका हमें ख्याल रखना अपनी वीडियो को बनाते हुए। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप एक चाइल्ड वाला या बच्चों वाला चैनल चला रहे हो, आपने बच्चों के साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, आपने उनको डांटना नहीं, आपने उनके साथ मारपीट या फिर फाइटिंग नहीं करनी। अगर आप इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करते हैं अपनी यूट्यूब वीडियो के अंदर, तो आपकी यूट्यूब वीडियो के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आ सकती है, आपकी वीडियो रिमूव हो सकती है या फिर आपका चैनल भी रिमूव हो सकता है। इसके बाद आ जाती है फाइटिंग वाली वीडियोज। अगर आप इस तरह की वीडियोज बनाए जिसके अंदर कोई इंजरीज आप दिखा रहे हैं या फिर आप एक रोड एक्सीडेंट दिखा रहे हैं जो बिल्कुल अगर उसको आप ब्लर नहीं करते, आप वैसे मतलब जिसको बोलते हैं कि अपनी वीडियो बनी वैसे यूट्यूब के ऊपर अपलोड करें, तो इस तरह की जो वीडियो होती है जिनके अंदर मतलब ब्लड वगैरह या खून वगैरह या फिर इंजरीज वगैरह दिखाई जा रही है, तो इस तरह की जो वीडियोज होती है उनके ऊपर भी कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आ जाती है और वो वीडियोज रिमूव कर दी जाती है यूट्यूब की तरफ से, ठीक है। एंड इसके अलावा पोर्न वाला कंटेंट बनाते या फिर मतलब कि इस तरह का कंटेंट बनाते जिसके अंदर आप 18 प्लस वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं या फिर जिनके अंदर यूट्यूब को लगता है कि ये जो वीडियोस हैं ट्रिपल एक्स है या फिर जिसको बोलते हैं पोर्न वाली पोर्न टाइप की वीडियोज है, तो इस तरह की वीडियोज़ के ऊपर भी यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक दे सकते और आपकी उस वीडियो को रिमूव कर सकता है, ठीक है। इसके बाद आती है फाइटिंग वाली वीडियोज़। अगर आप मार धाड़ वाली वीडियोज़ या फिर गन्स वाली वीडियोज़ बनाते हैं, तो उसके अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है यूट्यूब की कम्युनिटी का, क्योंकि यूट्यूब इस तरह के जो कंटेंट को प्रमोट नहीं करता। तो गाइज ये तो कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस होगी और साथ ही आपको बताता हूँ कि अगर आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आ जाती है या फिर अगर आपको लगता है कि आपकी जो वीडियो थी उसके अंदर इस तरह की कोई इश्यूज नहीं है, मीन्स कि आपकी वीडियो क्लियर है लेकिन आपको फेक स्ट्राइक मिली, तो इसको कैसे रिमूव करना या फिर आपने कैसे अपनी वीडियो को वापस से रिकवर करना, ये आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है। अगर आपने किसी किस्म की कोई वॉलेशन की तो फिर आपकी वीडियो नहीं आनी, आप जिस तरह का मर्जी ट्रिक लगा ले, जिस मर्जी बंदे को पैसे देते हैं, लेकिन अगर आपने किसी किस्म की कोई वॉलेशन की तो आपकी वीडियो वापस नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी वीडियो के अंदर कोई किसी किस्म का इशू नहीं है, आपकी वीडियो तो एकदम क्लियर थी, आपकी वीडियो के ऊपर फेक स्ट्राइक आई, तो फिर आप इस मेथड को यूज करके अपनी वीडियो को वापस ला सकते हो और अपने यूट्यूब चैनल से स्ट्राइक को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो मेथड है वो है अपील वीडियो का। अगर आप अपील वीडियो के थ्रू जो स्ट्राइक उसको रिमूव करवाने की कोशिश करेंगे तो ये तरीका बिल्कुल रॉन्ग है, आपने अपील नहीं करनी, ठीक है। सबसे पहले आपने करना है कि आपने सबसे पहले अपना एक ट्विटर अकाउंट बनाना है, ठीक है। ट्विटर अकाउंट बनाने के बाद आपने करना है कि आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, ठीक है, कि अपने ट्विटर के ऊपर सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना एक अकाउंट बना लेना, ठीक है। अकाउंट बनाने के बाद आपने करना क्या है, नोटिफिकेशन के अंदर चलता हूँ और ओके मेंशन के अंदर चले जाते हैं। सो गाइस जहाँ पे आप देखते हैं मैंने एक ट्वीट किया था यूट्यूब को कि यूट्यूब ने एक मेरी वीडियो थी आरडीपी के ऊपर, जी गाइस बिल्कुल आप देखते हैं यहाँ पे मैंने वीडियो का लिंक भी इसके अंदर पूरा आपको चैट दिखाऊंगा, पूरा प्रूफ दिखाऊंगा, ठीक है, आपके साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पे एक मैंने वीडियो बनाई थी आरडीपी के ऊपर, गूगल आरडीपी कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी लेकिन क्या हुआ कि यूट्यूब ने उस वीडियो को रिमूव कर दिया। क्यों रिमूव कर दिया, उन्होंने बोला कि आपने इस वीडियो के अंदर हमारे जो कम्युनिटी गाइडलाइन है उसके अगेंस्ट आपने वीडियो बनाई या फिर आपने उसके अंदर कोई वॉल्यूशन की है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना एक ट्विटर अकाउंट बनाया, ठीक है। ट्विटर अकाउंट बनाने के बाद मैंने उसके साथ पूरी बात शेयर की, ट्वीट लिखा, ठीक है। ट्वीट के अंदर मैंने क्या क्या चीज़ लिखी वो आपके सामने है, यहाँ पे हाई लिखा, उसके बाद मैंने एट द रेट ऑफ यूट्यूब को टैग किया, यूट्यूब जो टीम उसको टैग किया और साथ यूट्यूब को टैग किया, और मैंने उनको बताया कि माई वीडियो इज रिमूव विद द फेक स्ट्राइक, माई वीडियो वॉज अबाउट अ गूगल आरडीपी, आई डिड नॉट शो एनी इनलीगल और मिसलीडिंग थिंग इन माई वीडियो, आई कैन प्रूव इट वाई माई वीडियो इज रिमूव, द मैथड इज शो इज द वेरीफाइड बाई गूगल, आई केयरफुल रीड द वाई टी गाइडलाइंस मैनी टाइम, ठीक है। मैंने इसके अंदर उनको मैंने एक्सप्लेन किया कि जो मैंने जो वीडियो अपलोड की तो उसके अंदर किसी किस्म कोई मैंने जो वॉल्यूशन है नहीं की, जो वीडियो मेरी रिमूव हुई है ये फेक स्ट्राइक की वजह से रिमूव हुई या फिर बाई मिस्टेक रिमूव हुई है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपने आपकी जो वीडियो रिमूव हुई जिसके ऊपर स्ट्राइक आई है अगर उसके ऊपर कोई किसी किस्म का इशू नहीं है, बाई मिस्टेक आई, तो फिर आपने
अपना एक ट्विटर अकाउंट बनाना और आपने यूट्यूब को ट्वीट करना है, ठीक है। यूट्यूब जो ट्विटर के ऊपर फुली रिस्पॉन्स करता है, फुली आपकी बात सुनेगा, हर तरह से आपकी बात सुनेगा, लेकिन आपकी बात लीगल होनी चाहिए। अगर आपकी इनलीगल बात होगी या फिर आपका इनलीगल केस होगा तो उसको बात तो आपकी सुनेंगे लेकिन आपको जो इशू होगा वो सॉल्व नहीं होगा, ठीक हो गया। तो उसके बाद मुझे यूट्यूब का मैसेज आया, मैंने उनको लिंक प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। एंड उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर मुझे एक लिंक दे के आप इसको फॉलो करिए जो भी। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप अपील करें, ठीक है। उसके बाद मैंने उनको बोला कि मैंने ऑलरेडी अपील की लेकिन मेरी अपील रिजेक्ट हो चुकी है, ठीक है। और आपको एक और चीज़ बता दूँ, अगर आपकी अपील रिजेक्ट हुई थी फिर भी आपने ट्विटर के ऊपर आके इनसे बात करनी, ठीक है। उसके बाद सारी की सारी मेरी चैटिंग हुई, चैटिंग होने के बाद आपको एट द एंड दिखाता हूँ कि मेरी जो वीडियो थी वो रिकवर हो गई थी, ठीक है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इनका जो रिप्लाई मुझे आया, दिस वीडियो दिस वाज अ टोटली मिस्टेक ऑन आवर साइड, योर वीडियो हैज बीन री इंसर्ट एंड ऑल एसोसिएट पॉलिसी एक्शन ऑन योर चैनल हैव बीन रिवर्स, इट मे टेक 24 to 48 आवर्स फॉर द वीडियो टू कम बैक ऑन योर चैनल, सॉरी दिस हैपन्स, ठीक है। तो गाइज अगर आपकी वीडियो के अंदर किसी किस्म की कोई इश्यूज नहीं है या फिर उसके ऊपर किसी किस्म की वॉलेशन नहीं, तो यूट्यूब आपकी वीडियो को वापस कर देगा, आपकी जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपके चैनल के ऊपर चल रही है उसको रिमूव कर देगा, ठीक है देगा। लेकिन आपने जो ट्विटर के ऊपर उनसे तब ही रब्ता करना जब आपको यकीन हो, जब आपको आपके पास पूरा एक प्रूव हो कि आपकी जो वीडियो है वो कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ नहीं है, आपने किसी भी किस्म की पॉलिसी को वॉयलेट नहीं किया। तो गाइस अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो आपने करना कि इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, चैनल को अपने लाजमी सब्सक्राइब करना। अगर आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर कोई इश्यूज आ रहे हैं या फिर आपको मोनेटाइजेशन को लेकर इश्यूज आ रहे हैं या फिर आपको एडसन को लेकर, मीन्स अगर आपको यूट्यूब चैनल को लेकर किसी की भी किस्म का इश्यू है तो आपने जस्ट करना कि नीचे छोटा सा कमेंट कर देना, हम उसके ऊपर आपको वीडियो बना देंगे। तो गाइस मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।